नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। श्री गंगानगढ़ जिले के उपखंड अनूपगढ़ में एक पत्रकार के साथ अनूपगढ़ की एक रिकवरी एजेंसी के लोगों ने उस वक्त बदतमीजी की जब वो श्री विजयनगर से घरसाना शादी में जा रहे थे। रिपोर्टर हरनेक सिंह अपनी कार RJ13CC0376 से जैसे ही अंबेडकर चौक से निकले तो रिकवरी एजेंसी के ये बदमाश वहीं से कार का पीछा करने लग गए और कुछ दूर चलने पर गाड़ी रुकवाकर गाली गलौज किया और चैनल का कैमरा तोड़ने के अलावा गले से चैन अंगूठी भी छीन ली। इसके अलावा कार में रखा शादी का सामान अपने साथ लेकर चले गए। मौके पर जब रिपोर्टर ने पूछा कि मामला क्या है तो ये लोग बोले कि आपकी कार को उठाने के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे, आपकी किस्त बाकी है। रिपोर्टर ने भरी हुई किस्त की रसीद भी इन लोगों को दिखाई लेकिन ये लोग नहीं माने और लगातार 2 घंटे तक रिपोर्टर हरनेक से बदतमीजी करते रहे। फिर रिपोर्टर ने अपने जीजा श्रवण नंदा को पायल स्टूडियो से बुलाया तो ये लोग 3000 रुपये की डिमांड करने लगे जो इनको श्रवण नंदा की आड़त की दुकान से दिलवाए गए। इस मामले में इन बदमाश प्रवृत्ति के इन लोगों की बात श्री गंगानगर में अमित नागपाल फाइनेंस मैनेजर से भी करवाई लेकिन ये लोग लगातार बदतमीजी करते रहे। इस मामले के बाद अनूपगढ़ थाने में 4 लोगों वरिंदर 3 अन्य के खिलाफ धारा 382, 341, 323, 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस भी मानती है कि इन लोगों ने बिना पुलिस को सूचना दिए एक प्रकार से सरेआम डकैती को अंजाम दिया है। अगर ये लोग पत्रकार के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम लोगों से ये कैसे करते होंगे, ये सोचने का विषय है। इन फाइनेंस कंपनियों के बदमाशों ने अनूपगढ़ के अंबेडकर चौक पर अपने नाके लगा रखे हैं। यहाँ से कार रिकवरी करने के बहाने लोगों को लूटते हैं। आपको बता दूं कि मैं हरनेक विजयनगर से अपनी भांजी की शादी में 10 तारीख शाम को घरसाना के 9 जुड़ी में जा रहा था। तो ये जो अंबेडकर चौक है यहाँ से एक अल्टो कार थी जिसमें 3 लोगों ने मेरा पीछा किया और जो घरसाना चौक है उससे लगभग 200 मीटर पीछे इन्होंने मेरे को रोक कर मेरी गाड़ी को इशारा किया और मैंने गाड़ी रोकी। उतरते ही इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने इन बंदों को पहचाने, मैंने पूछा कि बात क्या है। कहने लगे जी आपकी गाड़ी की जो है ना किस्तें बाकी हैं और आपकी गाड़ी उठाने आए हैं। तो मैंने इनको कहा कि मेरे पास रसीद है, मैंने पैसे भरे हुए हैं और मेरा बैंक के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है और बैंक के जो मैनेजर हैं एरिया मैनेजर गंगानगर से एस के अमित, मैंने उनसे बात भी करवाई उनकी लेकिन उन्होंने उस बात को सुनने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसी को नहीं जानते ना हम किसी से बात करेंगे, हम आपकी गाड़ी को उठाएंगे। मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ किया लेकिन ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुए। लगातार मेरे साथ बदतमीजी और मेरे को जलील करते रहे ये लोग। और उसके बाद मैंने अपने मेरे जो जीजा जी हैं यहाँ पे पायल स्टूडियो पे और श्रवण नंदा जी जो हैं उनको मैंने बुलाया। उनके आने के बाद ये थोड़े लोग ठंडे हुए और इन्होंने कहा कि आप हमें 3000 रुपये दे दो और 3000 रुपये लेके ये वहाँ से निकल गए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप परसों आ जाना, आप गाड़ी गैरेज में जमा करवा देना, आपको हम 3000 रुपये दे देंगे। और मैं कल सुबह लगभग जो 12 तारीख को मैं 10 बजे यहाँ पे आया और मैंने इन बंदों को लगातार फोन की कि आइए आप मेरे देखिए कागज मेरे जो हैं बैंक के अंदर, मेरा कोई बैलेंस बाकी नहीं है और मेरी गाड़ी को आप किस बेहे पे उठा रहे थे। तो उसके बाद इनका जो ये कंपनी जो अपनी को रिकवरी वाली बता रही थी इनका कोई भी बंदा सामने नहीं आया। तो मैंने कल शाम को फिर भाई मुकदमा यहाँ पे अनूपगढ़ थाने में दर्ज करवाया जिसके अंदर मेरे एक टीवी चैनल का कैमरा था जिसको इन्होंने तोड़ा है, उसके अलावा कुछ मेरा सामान गाड़ी में था वो ले गए, एक मेरी चैन थी गले की वो ले गए, एक मेरी अंगूठी है उसको ले गए ये लोग। और अब मैंने लगातार ये रिकवरी के नाम पे इस प्रकार से गंगा अनूपगढ़ के चौकों के अंदर खड़े होके जो गुंडागर्दी करते हैं और हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए।